वेलकम बैक टू माई चैनल एंडिंग पॉइंट एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, फाइनली वो मॉनसून में बहुत ही अच्छी अपडेट आ चुकी है और इस अपडेट को आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और गाइस, ये अपडेट बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा और बहुत 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 अमेजिंग है। एंड गाइस, आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना ज़्यादा बहुत बहुत क्यों बोल रही हूँ, तो वाकई में ये अपडेट जो है बहुत 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 ज़्यादा अमेजिंग है और इसके फीचर्स जो हैं जो इसमें अपडेट में आए हैं बहुत ही नाइस हैं। तो गाइस, मैं आपको ज़्यादा वेट नहीं करवाऊंगी और डिस्कस करेंगे इस अपडेट के बारे में। लेकिन गाइस, आप भी मुझे ज़्यादा वेट नहीं करवाएं और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो गाइस, जैसे ही आप लाइक कर देते हैं तो अब आपके लिए मैं इस शानदार सी अपडेट को आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर जो सबसे पहला हमारा अपडेट का ऑप्शन है, गाइस मुझे बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते थे कि हमें कुछ ऐसा ऑप्शन बताएं कि अगर हमारी गेम अनइंस्टॉल हो जाती है किसी भी रीजन से, चाहे हम न्यू फोन लेते हैं या फिर हमारा फोन डैमेज हो जाता है तो हमारी गेम अनइंस्टॉल हो जाती है, तो हमें जब अगेन से गेम डाउनलोड करते हैं तो हमारा जो गेम प्ले है वहीं से स्टार्ट हो, हमारे लेवल वहीं से स्टार्ट हो, हमारी गेम प्ले किसी भी तरीके से सेव रहे। क्योंकि गाइस, एक बार मेरी भी गेम प्ले के लेवल ज़ाया हो चुके हैं क्योंकि मैंने न्यू फ़ोन लिया था और मेरे सारे लेवल्स जो है न्यू फ़ोन में जब मैंने गेम इंस्टॉल की तो पीछे वाला रिकॉर्ड जो है ज़ाया हो गया था। तो इस बार उन्होंने बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट दिया और इस अपडेट में आप गाइस अपना गेम प्ले को गूगल में भी सेव कर सकते हैं एंड साथ ही साथ गाइस आप अपनी प्रोग्रेस को फेसबुक में भी सेव कर सकते हैं। और मैं इसको सेव करके ट्राई करके चेक कर चुकी हूँ और आपके साथ में ये इसको शेयर कर रही हूँ। और आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर लॉगिन का बटन शो होगा, आपने जस्ट उसके ऊपर क्लिक करना है और आपकी आईडी फेसबुक के साथ कनेक्ट हो जाएगी और आपकी प्रोग्रेस भी उस आईडी में सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप अपना फेसबुक का नेम वॉर्मजोन में चेंज भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप अपना नेम जो मर्जी उसको एडिट करके रख सकते हैं। तो आपको नीचे एक बटन एडिट का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने जस्ट उसके ऊपर क्लिक करना है और आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर को भी चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम अपना नेम आयशा ईपी सेट कर लेते हैं और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि हमें एक प्रोफाइल पिक्चर का एडिट का ऑप्शन शो हो रहा है, हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत से प्रोफाइल पिक्चर्स के ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। तो गाइस, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट फीचर के बारे में कि हमारा गेम प्ले कौन कौन लोग देखेंगे, यानी कि हम अपनी प्राइवेसी को भी सेट कर सकते हैं। तो हम अपने यहाँ पर अपने हिसाब से प्राइवेसी को पब्लिक पे कर दिया है और यहाँ पर हमारी फर्स्ट जो फीचर है, जो फर्स्ट अपडेट का ऑप्शन था वो कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर हम कंटिन्यूस एस आयशा आईपी कर देते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो है टॉप पर आयशा आईपी नेम भी आ चुका है। तो गाइज़, अब बात कर लेते हैं अपने सेकंड फीचर के बारे में। और हमारे गेम प्ले में जो पहले दो ऑप्शन देखने में मिलते थे वो था एक इन्फिनिटी मोड एंड सेकंड वाला था टाइम मोड, लेकिन इस अपडेट में आपको दो न्यू फीचर्स, दो न्यू गेम प्ले भी दिए गए हैं। तो गेम प्ले में गाइज आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे जिनमें एक ऑप्शन है न्यू ईयर का और दूसरा वाला ऑप्शन है ट्रेजर हंटर का। तो यहाँ पर हम प्ले कर लेते हैं सबसे पहले न्यू ईयर को। तो गाइज, इस गेम प्ले में आपको बहुत से न्यू फीचर्स भी देखने में मिलेंगे, पर सबसे पहला ऑप्शन जो आपको देखने में मिलेगा वो है ब्लॉक्स का। आपके रास्ते में कुछ ब्लॉक्स रख दिए गए हैं जिनसे टकरा कर आपका स्नेक जो है डेड हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर एक न्यू ऑप्शन जो आया है वो है टाइम फ्रीजर का। गाइज, आप स्क्रीन पर जो ये एक फ्लावर सा देख रहे हैं, अगर आप इसको खा लेते हैं, इसको टच कर लेते हैं तो फिर आपका स्कोर इंक्रीज होना रुक जाएगा और ये बहुत बहुत ख़तरनाक बात है जिससे आपको बचना है। एंड गाइज, यहाँ पर आपको एक बॉक्स का भी मिलेगा जिस बॉक्स में आपको कभी कभार बहुत से कॉइन्स और कभी कभार आपके पास यहाँ पर फ्रीज़र का ऑप्शन भी मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर क्रिसमस पर, क्योंकि ये अपडेट आई है तो क्रिसमस ट्री, क्रिसमस के बहुत से ब्लॉक्स आपको देखने में मिल जाएंगे। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए अब चलते हैं अपने दूसरे मोड पर और गेम प्ले करते हैं अपना ट्रेजर हंटर। ओके, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं ट्रेजर हंटर में और गाइज यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर हमें होल के जैसा एक ब्लॉक देखने को मिलेगा और आपने इस हॉल में जाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी। एंड साथ ही साथ गाइस, आपने देखा अभी कि हमें यहाँ पर एक ट्रेजर बॉक्स भी मिला है और जिसमें से हमें बहुत से कॉइन मिले हैं एंड साथ ही साथ हमें गिफ्ट बॉक्स में से मिले हैं फ्रीजर। और साथ ही साथ यहाँ पर हम आपको
दिखा देते हैं कि इसका बॉर्डर लाइन पहले के जैसा है, बिल्कुल भी इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं आई है। लेकिन इस गेम प्ले को करने में गाइस बहुत ही इंटरेस्ट और बहुत ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि इसमें बहुत से न्यू फीचर्स हैं गाइस। ये देख सकते हैं आप, एक बड़ा सा ब्लॉक है और इस ब्लॉक को आपने बिल्कुल भी टच करने या उसको छूने की कोशिश नहीं करनी है। तो यहाँ पर साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि ये एक लिमिटेड टाइम के लिए है, आप इसको इन्फिनिटी मोड की तरह नहीं देख सकते। कुछ टाइम पहले जो टाइम मोड की अपडेट आई थी, ये बिल्कुल वैसी ही अपडेट है। इस गेम प्ले को करने के लिए आपको कुछ लिमिटेड टाइम ही दिया जाएगा। तो गाइज यहाँ पर आप चलते हैं आप बिना टाइम वेस्ट के अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ। और आप राइट कॉर्नर में जो टॉप पर देख रहे हैं एक स्पिन का ऑप्शन, यहाँ पर आप एक वीडियो को प्ले करेंगे और वीडियो देखने के बाद आपको एक स्पिन का ऑप्शन भी मिलेगा, जिसमें आप जीत सकते हैं बहुत से अनलिमिटेड कॉइन्स। और यह बहुत ही अच्छी अपडेट है कॉइन हासिल करने के लिए। एंड गाइज ये छोटी सी अपडेट है, तो आगे चलते हैं अगली अपडेट की तरफ और अगले फीचर की तरफ। और गाइज साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर न्यू अपडेट्स के लिए, न्यू वीडियोस के लिए। तो गाइज यहाँ पर आप वेट कर रहे होंगे कि क्या इस अपडेट में वॉर्म सोन में न्यू स्नेक्स भी आए हैं या फिर नहीं आए। तो गाइज आपके साथ क्वेश्चन का आंसर भी हम दे देते हैं। तो गाइज डेफिनेटली इस अपडेट में भी बहुत से न्यू स्नेक्स आपको देखने में मिलेंगे, लेकिन ये स्नेक आप को ना तो बाय करने पड़ेंगे और ना ही आपको फ्री में मिलेंगे, लेकिन इसके लिए आपको बहुत सा गेम प्ले करने को मिलेगा। तो जो राइट कॉर्नर में आप लेफ्ट कॉर्नर में आप जो देख रहे हैं न्यू ऑप्शन पांडा का, आप पांडा नहीं आई थिंक क्रिसमस का जो न्यू ऑप्शन देख रहे हैं, आपने सिंपली इसके ऊपर टैप करना है और आपको यहाँ पर शो होंगे कुछ न्यू टारगेट्स यानी कि कुछ न्यू मिशंस। आपने जस्ट इन मिशंस के टारगेट्स को कंप्लीट करना है और आपको उन टारगेट्स को कंप्लीट करने के इनाम में मिलेंगे न्यू स्नेक्स जो आप अपने गेम प्ले में यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा गाइस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कॉइन्स को अर्न करने के लिए आप अपनी गेम प्ले को फेसबुक से कनेक्ट करेंगे। फेसबुक से जैसे ही ज्वाइन होगी ब्राउजर के जरिए भी कर सकते हैं एंड फेसबुक के जरिए भी, तो आपको कॉइन्स मिलेंगे। और साथ ही साथ गाइस आप यहां पे टॉप प्लेयर्स की रैंकिंग को भी देख सकते हैं कि इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं आई, ये सेम पहले के जैसे ही है। आप साथ ही साथ यहाँ पर पिगी बैंक ऑप्शन भी देख सकते हैं और टाइम वाला ऑप्शन भी देख सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने स्नेक्स के फेसिस पर। तो यहाँ पर स्नेक्स के जो न्यू फेसेस आए हैं उनको भी हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर कुछ न्यू आईज दी गई हैं और कुछ पुरानी वाली आईज को ही रीन्यू किया गया है, यानी कि उनके कलर्स को चेंज कर दिया गया है। गाइस अब बात कर लेते हैं अपने मेन और लास्ट फीचर के बारे में। गाइस आपने जो न्यू गेम प्ले के दो न्यू मूड देखे हैं उनको प्ले करने के लिए आपको कुछ एप्पल्स की ज़रूरत होती है, और ये एप्पल आपके पास गेम प्ले करने के बदले में कट जाते हैं। तो इन एप्पल्स को आप दोबारा से बाय कैसे कर सकते हैं, आप वीडियोज़ को वॉच करके भी इन एप्पल्स को गेन कर सकते हैं एंड साथ ही साथ आप मनी के ज़रिए भी इनको बाय कर सकते हैं। तो गाइस ये थी आज की वीडियो और न्यू अपडेट। गाइस आई होप आपको पसंद आई होगी, क्योंकि मुझे तो ये बहुत ही पसंद आई है। तो गाइस न्यू वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।